सरकार स्कूल गवर्नमेंट की मलकियत या मकामी जमींदार की? वडेरे ने सरकार स्कूल की इमारत पर कब्जा जमा लिया। मौके में कहा कि सरकार स्कूल की इमारत के लिए जगह जाती मलकियत से दी। दूसरी जानब सीओ एजुकेशन अब्दुल रजाक मामले से लाइन निकले। टीम भेजकर चेकिंग का कहकर मामला तरखा दिया। मुजफ्फरगढ़ मोजादांडी में अरबों रुपए मालियत की सरकारी राजी पर कब्जा माफिया का राज। वफाकी और सूबाई हुकूमत की 775 किनार अराजी पर कब्जे का इंकशाफ हुआ। महकमा एंटी करप्शन ने दो पटवारियों समेत 46 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। दौरान तफ्तीश रेवेन्यू हुकाम के कई अफसरान के किरदार का भी तायुन किया जाएगा। प्रोफेशनल फीस रिकवरी हदफ से कम क्यों? कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन पर बरहम हो गए। अरसा दराज से बराए नाम इकट्ठी होने वाली प्रोफेशनल फीस के आदादोशुमार मुस्तरद कर दिए। कहते हैं कि बिग सिटी होने के बावजूद बराए नाम रिकवरी बदनमानी का वाज़ेह सबूत है। रिकवरी इंस्पेक्टर को किबला दुरुस्त करके अस्तर नौ टैक्स जोन के सर्वे रिपोर्ट पेश करने के अहकाम दे दिए। वजीर आजम और वजीर आला के डायरेक्टर पर अमल दरामद तेज। मुल्तान में एडीसी हेडक्वार्टर्स राना इखलाक अहमद खान की जेर सदारत जायजा इजलास हुआ। वजीर आजम पोर्टल पर आने वाली शिकायत का बरवक्त इजाला करने का हुक्म दे दिया। राना इखलाक ने कहा कि किसी भी डायरेक्टर को जेर इल्तवा में न रखा जाए। बरवक्त अमल दरामद न होने की सूरत में मुतालिका अफसर जिम्मेदार होगा। मुल्तान की मंडियों को शहर से बाहर मुंतकिल करने के लिए अमले इकदाम शुरू। टिम्बर मार्केट, सब्जी मंडी, जनरल बस स्टैंड, ट्रक स्टैंड लैंड में शामिल। मंसूबे की फिजिबिलिटी तैयार करने के लिए डिप्टी कमिश्नर की जेर सदारत इजलास हुआ। आमिर खटक ने मंसूबे पर पेशरफ के लिए कमेटी तश्कील देने का ऐलान भी किया। कमेटी एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट पेश करेगी। मास्टर प्लान के मुताबिक बिहाड़ी और दुनियापुर रोड पर मंडियों को शिफ्ट किया जा सकता है। बहावलपुर में कपास की फसल पर बीमारियों का हमला शिद्दत इख्तियार कर गया। काश्तकार परेशान, बीमारियों की वजह नाकिस बीज को करार दिया। कहते हैं कपास के बीज बनाने वालों से कोई पूछने वाला नहीं। सीड फरोख करने वाले भारी नफा कमा रहे हैं। कपास के बीज कुव्वत मुदाफत ही नहीं रखते। मुल्तान में कपास की बेहतरीन फसल के लिए महकमा ज़राअत का तमाम स्टेक होल्डर से मदद देने का फैसला। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतीन ने डीलर से राबते के लिए टास्क सौंप दिया। पेस्टिसाइड्स की कीमतें कम कराने के लिए इकदाम का भी ऐलान। कहते हैं कि ज़राअत की बका और काश्तकारों की फलाह और खुशहाली के लिए मिलकर काम करना है। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बहावलपुर के तालबेल में कोरोना वायरस की तस्दीक। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी बहावलपुर ने तालब इल्म के डायरेक्ट रास्ते में रहने वाले अफराद की सैंपलिंग का फैसला कर लिया। अहलखाना और अलामात जाहिर होने पर क्लास फेलोज के भी टेस्ट किए जाएंगे। कॉलेज इंतजामिया ने कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद मजीद सख्त कर दिया। बिहाड़ी में महकमा तालीम और महकमा सेहत कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मुतहरिक। तालीमी इदारों में तलबा और तालिबात के कोरोना टेस्ट करवाना शुरू कर दिए गए। फोकल पर्सन इसरार अहमद ने कहा कि कोरोना टेस्ट करने के लिए स्कूलों को तीन मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम किया गया। खुशकिस्मती से अब तक जिले में कोई भी मुश्तबा केस रिपोर्ट नहीं हुआ। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस इरशाद बुखारी का गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज राजनपुर का दौरा। कॉलेज में मुख्तलिफ क्लासेस का मुआयना किया। कहा कि विजिट का मकसद कोरोना वबा से बचाव के इंतजाम को चेक करना है। समाजी फासला, हैंड सैनिटाइजिंग समेत फेस मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाया गया। कॉलेज में नो मास्क नो एंट्री पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। लैया में पांच रोजा पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। मामले खसूसी वजीर अला पंजाब शफाकत अली गिलानी और असिस्टेंट कमिश्नर नियाज अहमद थल अस्पताल पहुंच गए। एमएस डॉक्टर खादिम के हमरा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए। पोलियो टीमों को हिदायत भी जारी कर दी। मुल्तान में सोशल वेलफेयर की जानब से माजूर अफराद के लिए खुशखबरी। डिस्ट्रिक्ट रिहेबिलिटेशन फंड तकसीम करने का ऐलान। फंड की तकसीम का सिलसिला अगले माह से शुरू होगा। दरखास्तों की वसूली जारी है। मुल्तान, रहीमा खान और बहावलपुर में गर्मी एक बार फिर से बढ़ने लगी। महकमा मौसमियात ने दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई कर दी। आइंदा 24 घंटों में गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। और ना इंतजार करो उनका ऐ आजादारों, शहीद जाते हैं जन्नत को घर नहीं आते। मुल्तान के रिहायशी पाक फौज के सिपाही अब्दुल अजीज शहीद की 55वीं बरसी।
शहीद ने 1965 की जंग में दुश्मन का मुकाबला करते हुए जामी शहादत नोश किया। अहले खाना को अब्दुल अजीज की शहादत पर आज भी फख्र है।